नमस्कार। अभी तक हमने यादृच्छिक परीक्षणों के परिणाम केवल एक यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चरों का एक सादिश अथवा सीमित संख्याओं में यादृच्छिक चरों तक ही देखे हैं। किंतु ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम केवल एक सीमित संख्या में यादृच्छिक चर ही जनित करें। वह यादृच्छिक चरों के अनुक्रम भी जनित कर सकता है अथवा सीक्वेंसेस भी जनित कर सकता है। अब इसी यादृच्छिक चरों के सादिश की श्रृंखला में हम एक यादृच्छिक अनुक्रम परिभाषित करते हैं जो कि एक ऐसा अनुक्रम है जिसका प्रत्येक घटक एक यादृच्छिक चर है। हम यह कह सकते हैं कि एक यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम स्वरूप हमें एक यादृच्छिक अनुक्रम प्राप्त होगा। एक यादृच्छिक अनुक्रम को हम छिक अनुक्रमों को हम अनंत आयामी संख्याओं की समष्टि के अवयवों के रूप में भी आप में से जिन लोगों ने रेखीय बीजगणित का कोर्स किया है एवं उस कोर्स में यह बताया गया है, आपने हिल्बर्ट समष्टियों की अवधारणा देखी होगी। यह यादृच्छिक अनुक्रम अथवा अनुक्रम हिल्बर्ट समष्टि के ही घटक होते हैं। अब हमने यादृच्छिक अनुक्रम को परिभाषित कर दिया। एक यादृच्छिक अनुक्रम एक्स एन एक ऐसा अनुक्रम होगा जिसका प्रत्येक घटक एक यादृच्छिक चर है एवं यह सभी एन के लिए परिभाषित होगा। आपके संकेतों एवं प्रणालियों अथवा सिग्नलिंग सिस्टम्स कोर्स में दिखाए गए असंतत समय असंतत संकेत अथवा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के समान हम यादृच्छिक अनुक्रमों को समय असंतत यादृच्छिक संकेत अथवा समय असंतत यादृच्छिक प्रक्रियाएं भी कहते हैं। टाइम रैंडम सिग्नल्स अथवा प्रोसेसेस यह भी कहा जाता है। अब जहां हम अनुक्रमों अथवा सीक्वेंसेस की बात करते हैं वहीं हम कन्वर्जेंस उन अनुक्रमों के कन्वर्जेंस अथवा अभिसरण की भी बात करते हैं। अब हम कह सकते हैं एक अनुक्रम क्रम xn n अनंत की ओर जाते हुए सीमा x की ओर जाता है
यदि किसी भी शून्य से अधिक एप्सिलन के लिए हम एक संख्या एन नॉट प्राप्त कर सकें जो निम्न प्रतिबंध का एक संख्या एन नॉट प्राप्त कर सकें जो निम्न प्रतिबंध का पालन करती हो एक्स एन एक्स का निरपेक्ष मान एप्सिलॉन से कम होगा सभी एन एन नॉट से अधिक होने पर। यह साधारण अनुक्रमों के संदर्भ में अभिसरण की परिभाषा है। इसी प्रकार हम यादृच्छिक अनुक्रमों संदर्भ में सरण इसी प्रकार हम यादृच्छिक अनुक्रमों के संदर्भ में अभिसरण परिभाषित कर सकते हैं। यदि हम कहेंगे एक अनुक्रम xn सर्वत्र सारित होता है यदि प्रतिदर्श समष्टि के लिए प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक अवयव ओमेगा के लिए सीमा एन अनंत की ओर एक्स एन ओमेगा एक्स ओमेगा की ओर बढ़ता है जहां निश्चित रूप से एक्स एक यादृच्छिक चर है निश्चित रूप से एक्स एक यादृच्छिक चर है। यह अभिसरण का सबसे व्यापक अथवा अभिसरण का सबसे कठिन नियम है अथवा अभिसरण का सबसे कठिन प्रारूप है। इसके अलावा हम अभिसरण के अन्य कई प्रारूप देख सकते हैं। सर्वत्र को अंग्रेजी में एवरीवेयर कहते हैं सर्वत्र एवं अनुक्रम एक्सन कन्वर्जेस एवरीवेयर यादृच्छिक चर प्राय सर्वत्र ऑलमोस्ट एवरीवेयर अभिसारित होता है जब प्रतिदर्श समष्टि के ऐसे अवयवों ओमेगा जिनके लिए सीमा एन अनंत की ओर एक्स एन ओमेगा एक्स की ऐसे अवयवों नहीं ऐसे अवयव ओमेगा जिनके लिए एक्स ओमेगा की ओर जाता है एक समुच्चय ओमेगा बनाते हैं जिसका प्रायिकता परिमाण एक है अर्थात एक यह अर्थात इसका अर्थ यह है कि ऐसे परिणाम जिनके लिए एक्स एन ओमेगा
एक्स पर नहीं जाता, सत्य नहीं है, वह एक प्रायिकता परिमाण शून्य का समुच्चय बनाते हैं। शून्य प्रायिकता परिमाण की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि यह यादृच्छिक अनुक्रम इस यादृच्छिक चर x पर प्राय सर्वत्र अभिसारित होगा। अगला है वर्ग मध्यमान अनुक्रम xn वर्ग मध्यमान अथवा मीन स्क्वेर्ड रूप से अभिसारित होगा यदि xn वर्ग सीमा n अनंत की ओर, यह शून्य के बराबर है, यह वर्ग मध्यमान अभिसरण है। प्रायिकता अभिसरण इसे हम कहेंगे, इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, प्रायिकता यदि सीमा n अनंत की ओर प्रायिकता xn x शून्य से अधिक होने की प्रायिकता शून्य हो, तब हम कहते हैं कि xn प्रायिकता में x की ओर अभिसारित अंततः बंटन में अभिसरण। सीमा n अनंत की ओर यदि यह सत्य हो, तब हम कहते हैं xn बंटन अथवा डिस्ट्रीब्यूशन में x की ओर अभिसारित हो रहा है। अर्थात जिस प्रकार निर्धारणात्मक अनुक्रमों के लिए हमारे पास अभिसरण का केवल एक मापदंड था, अब हमारे पास अभिसरण के कई मापदंड हैं, एवं अब जिस प्रकार हम निर्धारणात्मक अनुक्रमों के लिए बिना x जाने कौशी का मापदंड का प्रयोग कर सकते हैं कि सीमा n अनंत की ओर x जमा m यह निर्धारणात्मक अनुक्रमों के लिए कौशी का मापदंड है। उसी प्रकार हम बिना यादृच्छिक चर x जाने कौशी का मापदंड के द्वारा यादृच्छिक
अनुक्रमों का अलग अलग प्रकार का अभिसरण ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरणतः यदि हम कौशी मापदंड के द्वारा वर्ग मध्यमान अथवा मीन स्क्वेयर्ड अभिसरण ज्ञात करना चाहते हैं, तब यह सत्य होना चाहिए। इसी प्रकार हम अन्य प्रकार के अभिसरणों के लिए भी कौशी का मापदंड प्रयोग कर सकते हैं। हम यादृच्छिक अनुक्रमों की इस चर्चा को अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे।